13.4 लेंसों द्वारा बनने वाले कुछ प्रकाशिक यंत्र। पहला, फोटोग्राफिक कैमरा। किसी वस्तु का स्थायी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए फोटोग्राफिक कैमरे का उपयोग किया जाता है। कैमरा धातु या प्लास्टिक का बना होता है, जिसका आंतरिक भाग काला रखा जाता है। यह प्रकाश रोधी होता है। इस बॉक्स के आगे के भाग में उत्तल लेंस अभिसारी लगा होता है, जिसका फोकस समंजित किया जा सकता है। इसकी फोकस दूरी कम होती है। इस लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इस लेंस से बने प्रतिबिंब में कोई दोष नहीं होता है। लेंस के पीछे एक गोल पर्दा होता है, जिसके बीच में एक छिद्र होता है। इसे डायफ्राम कहते हैं। इसके द्वारा कैमरे के अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है और फोटोग्राफिक फिल्म पर प्रतिबिंब बन जाता है। शटर के द्वारा आवश्यकतानुसार एक निश्चित समय के लिए प्रकाश फोटोग्राफिक फिल्म पर डाली जाती है। जिस वस्तु का फोटो खींचना होता है, उसे लेंस के सामने लेंस की फोकस दूरी से दुगुनी दूरी से अधिक दूरी पर रखा जाता है। इस स्थिति में फिल्म में वस्तु का छोटा, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। एक साधारण उत्तल लेंस सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, जिसे हम पढ़ने वाला आवर्धक भी कहते हैं। यह यंत्र सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कम फोकस दूरी वाला साधारण उत्तल लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। एक से अधिक लेंस का उपयोग होने पर वह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी, जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र एवं लेंस के फोकस के मध्य रखी होती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा एवं आभासी होता है। संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसमें एक खोखली नली के एक सिरे पर एक उत्तल लेंस L1 लगा रहता है, जो वस्तु की ओर रहता है। इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। दूसरे सिरे पर एक और खोखली नली लगी होती है, जो अभिदृश्यक वाली नली में चक्री द्वारा आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। इस नली में नेत्रिका लेंस L2 लगा होता है। चक्री द्वारा नली को आगे पीछे सरकाकर अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा द्वारक कम होते हैं, जबकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी या द्वारक अभिदृश्यक की तुलना में कुछ अधिक होते हैं। इस प्रकार वस्तु AB का प्रथम प्रतिबिंब A'B' होता है, जो लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करती है, और अंतिम आवर्धित प्रतिबिंब A'B' बनाती है। तीसरा, दूरदर्शी टेलीस्कोप। यह वह प्रकाशिक यंत्र है, जो दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बनाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसकी सहायता से चंद्रमा, तारे, ग्रह देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इस यंत्र में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, LO और LE। यहाँ F1 अभिदृश्यक लेंस LO की फोकस दूरी व FE नेत्रिका लेंस LE की फोकस दूरी है। जब वस्तु दूर स्थित हो, तो उससे चलने वाली किरणों का प्रतिबिंब लेंस LO के द्वारा बनता है। अब यदि नेत्रिका लेंस LE को समंजित किया जाए, तो बना प्रतिबिंब P'Q' नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और वस्तु का बड़ा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब P'Q' प्राप्त होता है। मुख्य बिंदु कीवर्ड्स: उत्तल दर्पण, ध्रुव, अवतल दर्पण, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, आवर्धन, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्वारक, अभिदृश्यक लेंस, नेत्रिका लेंस। हमने सीखा, गोलीय दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। वस्तु की स्थिति के अनुसार
प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकते हैं। सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। गोलीय दर्पणों तथा लेंसों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। दर्पण सूत्र 1/v = 1/u = 1/f। वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f में संबंध दर्शाता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f = r/2। किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, यानी m = h·h। निर्वात में प्रकाश 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गमन करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। लेंस सूत्र 1/v = 1/u = 1/f। वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा गोली लेंस की फोकस दूरी f में संबंध दर्शाता है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस क्षमता p = 1/f।